जब कभी भी आप समुद्र किनारे घूमने जाते हैं या टीवी पर या मोबाइल पर इसकी वीडियोस या पिक्चर्स देखते हैं, तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि ये समुद्र का पानी इतना खारा क्यों होता है। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। आपको ये तो पता ही है कि पानी के अंदर एक कैपेसिटी है कि वो बहुत तरह के सब्सटेंसेस को क्या है, अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। घर पे हम तो ज़्यादातर चीनी या नमक ही घोलते हैं, लेकिन पानी के अंदर इससे भी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है। वो बहुत तरह के मिनरल्स को या सॉल्ट्स को अपने अंदर घोल सकता है। तो जैसे ही ये पानी नदी बन के घूमता है, नदी बन के बहता है, तो अपने साथ साथ जो पहाड़ों के ऊपर या पत्थरों के ऊपर मिट्टी में जो अच्छे वाले या बुरे वाले जो भी है सॉल्युबल मिनरल सॉल्ट्स है, अपने अंदर क्या है घोल कर डिजॉल्व करके अपने साथ ले जाता है। और जहाँ जहाँ ये पानी जाएगा वहाँ वहाँ पर क्या अपने साथ मिनरल सॉल्ट्स को क्या है डिजॉल्व करके लेके जाएगा। और आखिरकार ये सॉल्टी वाटर यानी कि ये मिनरल से भरा हुआ वाटर जब समुद्र तक पहुँचता है, क्योंकि आपको तो ये पता ही होगा कि नदियों का पानी आखिरकार जाकर समुद्र में मिल जाता है, तो जब ये मिनरल से भरा हुआ नदियों का पानी समुद्र में घूमता है, समुद्र में मिलता है, महासागर में मिलता है, तो वो पानी क्या है ड्यू टू इवेपोरेशन ऊपर उठ जाता है। वो तो पानी तो इवेपोरेट होगा ही, आपको पता ही है, आपने वाटर साइकिल में पढ़ा है। तो जब वो पानी इवेपोरेट हो जाता है तो पीछे बच जाते हैं मिनरल्स। और नदियों का पानी हर साल बहुत सारे मिनरल्स बहुत सारे सॉल्ट्स क्या है अपने साथ लाके समुद्र में घोलता है। और इससे क्या होता है कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है हर साल समुद्र का पानी और भी ज़्यादा खारा होता जाता है, क्योंकि पानी तो इवेपोरेट हो रहा है लेकिन मिनरल्स नहीं हो रहे, और वो मिनरल्स क्या है समुद्र में जमा होते जा रहे हैं। तो ये तो था आज का क्यूरियोसिटी क्वेश्चन। मिलते हैं अगली वीडियो में।